नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मोदी सर ने मामले में पेशी से मिली छूट। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए नहीं आना पड़ेगा बिहार। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को हाजिर होने का दिया था आदेश। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश नाकाम रहने पर छात्रा का सर फोड़ा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र का है मामला, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बारिश ने खोली छपरा नगर निगम की पोल, शहर की सड़कें और मोहल्ला हुआ जलमग्न, राहगीरों की बड़ी परेशानी। खुरमा, बालूशाही, चिनिया केला, तिलकुट जैसे बिहारी उत्पाद को मिल सकता है जीआई टैग, आवेदन हुआ स्वीकार। हाल ही में राज्य के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को दिया गया है जीआई टैग, जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए है प्रसिद्ध। भागलपुर के जरदालू आम और कतरनी धान, नवादा का मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को पहले ही मिल चुका है जीआई टैग। मधेपुरा की बच्चे भी अब वुशू खेलने में ले रहे हैं रुचि। वुशू सीखकर राज्य स्तरीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। एक चाइनीज मार्शल आर्ट है वुशू। सामने आए अनोखे दूल्हे की अनोखी कहानी। दूल्हे राजा ने 4 दिन के अंदर की 2 शादियां, एक अरेंज तो दूसरा लव मैरिज। दोनों के साथ बारी बारी से बिताता रहा समय, पत्नियों को हुआ शक तो दूल्हे राजा पहुंचे जेल। बक्सर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। परिणय सूत्र में बंधे 11 जोड़े। माँ कालरात्रि मंदिर में हुआ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न। सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप दिए गए घरेलू इस्तेमाल के सामग्री। मिथिला में राष्ट्रीय लोक उत्सव का हुआ आयोजन। लोक कला और संस्कृति का हुआ प्रदर्शन। भारी संख्या में रही लोगों की उपस्थिति। एलजेपी नेता अच्युतानंद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर दिया विवादित बयान। पार्टी ने स्टेटमेंट से किया किनारा। हाजीपुर जिले के वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम के दौरान का है मामला। पटना में 84 खंभों पर बने इस्कॉन मंदिर का 1 वर्ष हुआ पूरा। मनाया गया वार्षिकोत्सव। भगवान को लगाए गए 56 भोग। गर्मी बढ़ने के साथ ही अस्पताल में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। अत्यधिक तापमान की वजह से लू लगने की बढ़ रही है आशंका। मधेपुरा जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लू से निपटने के लिए की गई है मुकम्मल तैयारी। गांव और खेत के बीच नवनिर्मित टोल प्लाजा बना मुसीबत। आरा के लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की अंडरपास बनाने की मांग। जिला प्रशासन और केंद्रीय परिवहन मंत्री को दिया आवेदन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में की बैठक। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक साथ लाने के प्रयास के तहत सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ भी कोलकाता में हुई थी बैठक। बक्सर में सामूहिक विवाह महोत्सव आयोजन समिति की ओर से जिले के सिमरी गांव स्थित मां कालरात्रि मंदिर परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भोजपुरी लोकगीत के चर्चित कलाकार कमल बास कुंवर और अभिषेक तिवारी ने परंपरागत गीतों से बांधा समा। बक्सर में अंतर्राज्यीय घुड़दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आयोजन समिति की ओर से निर्धारित सारे मानकों पर बेहतरीन दौड़ का प्रदर्शन करते हुए आरा के घोड़े रॉकेट ने सभी को पछाड़ते हुए किया प्रथम स्थान हासिल। रॉकेट अब तक जीत चुका है 1 दर्जन से अधिक दौड़। पूर्वी चंपारण के कोटवा में किसान के घर हुई भीषण चोरी। नकदी सहित करीब 5.5 लाख के जेवरात की हुई चोरी। चारदीवारी फांद कर घर में घुसा था चोर। लड़की के शादी के लिए जेवरात खरीद कर रखा था किसान। कोटवा पुलिस तहकीकात में जुटी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सरकारी कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत कार्यालय में आम जनों के सुविधा के लिए आरटीपीएस काउंटर एवं डोर टू डोर कचरा संग्रह करने के लिए नए टीपर को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। हुआ उद्घाटन। 3 चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोलाची गांव का है मामला। आग लगी की घटना में 3 घर जलकर हुआ खाक। कपड़ा, अनाज, फर्नीचर सहित लाखों का हुआ नुकसान। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत मलदहिया पोखरिया पंचायत का है मामला। और एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण के चकिया स्थित कुआं गांव में किया छापेमारी। एफपीआई से जुड़े मामले में सज्जाद अंसारी के घर में हुई है छापेमारी। गिरफ्तार हरपुर किसुनी निवासी इरशाद के निशानदेही पर हुई कार्रवाई। सज्जाद दुबई में पिछले 14 साल से करता है नौकरी। एनआईए की टीम सज्जाद के घर से सज्जाद का आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कुछ और कागजात ले गई अपने साथ। अभी के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं।
अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। Facebook पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़। सच की आवाज़। नमस्कार।